श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि यदि आपकी बात तलाक तक पहुंच रही है तो रोकने के उपाय और टोटके हम आपको बताने जा रहे हैं। कलेश के कारण जब बात तलाक तक पहुंच जाए तब छोटे उपाय से आपको लाभ होता है और पुनः घर में सुख और शांति की स्थापना होती है, धन की वर्षा भी हो जाती है। घर में आप एक शिवलिंग स्थापित करें, प्राण प्रतिष्ठा करवाकर 41 दिन तक नित्य शुद्ध होकर स्नान करके बेलपत्र और जल अर्पित करें और भगवान शिव की 5 माला जप करें, ग्रह शांति होगी और क्लेश समाप्त होंगे। पति पत्नी में प्रेम का संचार होगा, तलाक नहीं होगा। मंत्र है ओम नमः शिवाय शक्ति स्वरूपाय मम गृहे शांति कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र हम वापस बोल देते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र में लिख दूंगा ताकि आपके प्रोनाउंसिएशन गलत ना हो। ओम नमः शिवा शक्ति स्वरूपाय मम गृहे शांति कुरु कुरु स्वाहा। दूसरा उपाय, दूसरा टोटका कह लीजिए, यदि घर में विवाद होता है और बात पति पत्नी की घर से निकलकर कचहरी तक पहुंच गई है तो पुनः प्रेम स्थापित करने के लिए गणेश जी की उपासना करनी चाहिए और लड्डू का भोग लगाना चाहिए। गणेश जी को प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे ही करेंगे। तीसरा उपाय, पति पत्नी के बीच कलह को दूर करने के लिए रात में जब भी सोए पूरब की ओर सिर करके सोए, जिस कारण आप में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और घर में शांति पुनः स्थापित होगी। चौथा टोटका, अगर पति पत्नी के बीच निरंतर लड़ाइयाँ होती हैं और ग्रह क्लेश के कारण बात तलाक तक पहुँच गई है तो घर में शांति नहीं है तो कलह समाप्त करने के लिए एक छोटा सा उपाय कीजिए। यदि आपके घर में कहीं भी चींटियां निकलती हो तो प्रतिदिन आटे में चीनी मिलाकर उनको खिलाएं या क्रियांतर करके निरंतर आपको 40 दिन करनी अवश्य चाहिए और इससे आपको पुनः प्रेम जागृत होगा। पांचवा उपाय सुन लीजिए, यदि पति और पत्नी के बीच तनाव बढ़ गया और घर में हमेशा लड़ाई होती है जिस कारण बरकत नहीं होती और लड़ाई घर की बजाय अब बाहर या मतलब कचहरी में पहुंच गई है तो उसके लिए 3 गोमती चक्र लेकर घर के दक्षिण दिशा में फेंक दीजिए और 5 गोमती चक्र लेकर सिंदूर की डिब्बी में डालकर पूजा के स्थान पर रख दें और नित्य पूजन के समय उसी सिंदूर से पुरुष का तिलक करें, जो पुरुष हैं वो लोग और महिलाएँ मांग भरें तो घर में शांति होगी और क्लेश समाप्त होगा। एक उपाय हम आपको और बता देते हैं, यदि घर पे कलह होती हो और पति पत्नी की कलह कचहरी तक पहुंच गई है तो इसके निवारण के लिए भोजपत्र पर लाल कलम से पति का नाम लिखकर या पत्नी का नाम लिखकर हनुमान जी के मंत्र का 21 बार जप करते हुए घर के किसी कोने में रख दीजिए और मंगलवार को नियमित रूप से हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाएं और सिंदूर अर्पित करें। ऐसा करने से ग्रह क्लेश समाप्त हो जाएगा और पति पत्नी में पुनः प्रेम स्थापित होगा और तलाक का जो योग है वो समाप्त हो जाएगा। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।